एकीकरण के नाम पर बंद किए गए स्कूलों को फिर खोलने की कवायद शुरू। पहले चरण में खुलेंगे 3,717 स्कूलों के ताले। उदयपुर के एमबी चिकित्सालय के धोबीघाट पर सामने आया गड़बड़ झाला। सरकारी मशीनरी से धुल रहे हैं निजी अस्पतालों व धर्मशालाओं की चादरें और कपड़े। जोधपुर एम्स में लॉन्च हुई आयुष्मान भारत योजना। पहले दिन बनाए गए 3 कार्ड, लोगों को मिलेगा निःशुल्क उपचार का फायदा। और अजमेर के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से लापता हुआ 8वीं का छात्र, स्कूल प्रशासन ने सिविल लाइन्स थाने में दर्ज कराई गुमशुदगी। संभावित स्थानों पर तलाश के साथ अभय कमांड सेंटर के कैमरे खंगाल रही है पुलिस। और बुलेटिन में अब खबरें विस्तार से। नामांकन कम होने पर पिछली सरकार द्वारा बंद की गई स्कूलों को नई सरकार ने खोलने की कवायद शुरू कर दी है। पहले चरण में आरटीई नियमों के तहत प्रदेश के 3,717 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल शुरू होंगे। इसके लिए शासन उप सचिव ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से रिपोर्ट मांगी है। 10 जनवरी तक प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के इस मामले में प्रस्ताव भेजने की संभावना है। सरकार लोकसभा चुनाव से पहले कुछ स्कूलों को शुरू कर सकती है। पिछले दिनों सीकर दौरे पर आए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इसके संकेत भी दिए थे। अब शिक्षा विभाग के शासन सचिव ने इस संबंध में लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि पिछली सरकार ने 5 वर्षों में एकीकरण के नाम पर कम नामांकन वाले राज्य के 22,000 से अधिक स्कूलों को बंद कर दिया था। इसको लेकर सबसे ज्यादा आंदोलन भी शेखावटी में हुए थे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ एम्स में डायरेक्टर संजीव मिश्रा ने किया। इसके तहत पहला कार्ड बनाकर हरियाणा की महिला रमनजीत कौर को सुपुर्द किया गया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए एम्स डायरेक्टर मिश्रा ने बताया कि इस योजना से लाखों लोगों को फायदा मिलेगा, साथ ही विशेष तौर पर गरीब लोगों को इस योजना से इलाज में आसानी होगी। वहीं एम्स के अधीक्षक अरविंद सिन्हा ने बताया कि शुरुआत के पहले दिन कुल 3 कार्ड बनाए गए। काउंटर पर कुल 9 कर्मचारी लगाए गए थे इस काम के लिए, जो अस्पताल में आने वाले लोगों का आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड बनाने के कार्य कर रहे हैं। इस दौरान एम्स के उप निदेशक एनआर विश्नोई और डॉक्टर आलोक वर्मा सहित एम्स के कई चिकित्सक व फैकल्टी उपस्थित रहे। 4 माह बाद होने जा रहे लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस को प्रदेश में जिताऊ चेहरों की तलाश है। राहुल गांधी के मिशन 2019 के तहत अभी से ही दावेदारों के नामों पर मंथन शुरू हो गया है। बताया जाता है कि जिताऊ चेहरों की तलाश के लिए विधायकों और संगठन के नेताओं से भी फीडबैक लेने का काम शुरू कर दिया गया है। जानकार सूत्रों की माने तो संगठन के स्तर पर इसे लेकर कवायद हो गई है। देश प्रभारी अविनाश पांडे और चारों सहभागियों को भी जिताऊ दावेदारों के बारे में फीडबैक लेने निर्देश कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिए हैं। बताया जाता है कि दावेदारों को लेकर शीघ्र ही दिल्ली में राहुल गांधी वॉर रूम में बैठक आयोजित होगी, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ और डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और चारों सह प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। पार्टी के जानकार सूत्रों की माने तो प्रदेश में आधा दर्जन विधायकों पर पार्टी दाव खेल सकती है। बताया जाता है कि कई मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए गए विधायक ऐसे हैं जो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनका मानना है कि अगर केंद्र में यूपीए की सरकार बनती है तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनका नंबर लग सकता है। वहीं कुछ लोकसभा क्षेत्र प्रदेश में ऐसे भी हैं जहां पार्टी के पास चुनाव के लिए उपयुक्त चेहरा नहीं है। ऐसे में वहां वरिष्ठ विधायकों को लोकसभा चुनाव लड़ाने का विचार पार्टी के भीतर चल रहा है। दरअसल इस बार पार्टी को भी प्रदेश से खासी उम्मीदें हैं। पार्टी नेताओं का लक्ष्य इस बार लोकसभा की सभी 25 सीटें जीतना है। ऐसे
ऐसे में पार्टी दिग्गज विधायकों को भी लोकसभा चुनाव में उतारने का मन बना रही है। जिन लोकसभा सीटों पर विधायकों को लड़ाने की चर्चा पार्टी के भीतर चल रही है उनमें धौलपुर, करौली, भीलवाड़ा, चूरू, डूंगरपुर, बांसवाड़ा शामिल है। गौरतलब है कि 2009 में लोकसभा चुनाव में पार्टी को 25 में से 21 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 2014 में हुए लोकसभा चुनावों में प्रचंड मोदी लहर के चलते कांग्रेस को सभी 25 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था।